Alhamdulillah, alhamdulillah. So let's start with the dua first. Nahmaduhu wa nusalli ala बेटा सूरह फातिहा से स्टार्ट करते हैं आज हम. रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम खैर. All right. अब हम पढ़ते हैं सूरह इख़लास. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. कुल हुवल्लाहु अहद. अल्लाहु समद. अल्लाहु समद. लम यलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद. हाउ वाज़ द पेन. पढ़ते हैं बेटा दोनों सूरतें सूरह फलक और सूरह नास. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. सदकल्लाहु लज़ीम जज़ाकल्लाहु खैर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. बेटा आप दुआस कर लेते हैं कुछ दुआस रिवाइज कर लेते हैं दुआस को. आर यू एबल टू हेयर मी बेटे. यस यस मैम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. जस्ट अ मिनट. I'm going to share dua screen with you. So, where did that go? जी बेटा, whenever we start something, what do we say? जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो हम beginning में क्या कहते हैं बेटे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. माशाल्लाह. एंड जब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पढ़ते हैं सुनते हैं तो क्या कहते हैं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. माशाल्लाह. अच्छा, व्हेन समवन डज गुड फॉर यू तो क्या कहते हैं? जज़ाकल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. और व्हेन यू सी समथिंग दैट प्लीजेस यू दैट मेक्स यू हैप्पी? माशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. और जब हम किसी से मिलते हैं तो क्या कहते हैं? वेरी गुड वेरी गुड. और जवाब भी क्या कहते हैं बेटे? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. माशाल्लाह. ठीक है, अब मुझे बताएं खाना कौन से हाथ से खाते हैं? कौन सी दुआ पढ़ते हैं खाने से पहले? बैठ के खाना चाहिए या खड़े होकर? बैठ कर. और अगर दुआ पढ़ना बिगिनिंग में भूल जाए और जब याद आए तो क्या पढ़ते हैं? बिल्कुल माशाल्लाह. ठीक है, और जब खाना खा चुकते हैं तब क्या कहते हैं बेटे? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह
वजअलना मिनल मुस्लिमीन माशाल्लाह। और दूध पीने की क्या दुआ है बेटा, नंबर 11 पे लिखी हुई है दूध पीने की दुआ, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जब व्हेन वी गो अपस्टेयर्स बट वेन वी गो टू द वॉशरूम विच फुट शुड बी पुट इन फर्स्ट, लेफ्ट लेफ्ट। वेरी गुड। और दुआ कौन सी पढ़ते हैं वॉशरूम जाने की, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा दुआ टू इंक्रीज द नॉलेज, दुआ फॉर आवर पेरेंट्स। आपको पता है हमारे ऊपर बीइंग औलाद होने की हैसियत से हमारा फर्ज है कि हम अपने वालदैन के लिए दुआ करें। इट इज आवर ड्यूटी टू प्रे फॉर आवर पेरेंट्स। सब बच्चों की ये ड्यूटी होती है कि वो अपने मामा बाबा के लिए, अपने वालदैन के लिए, अपने अम्मी अबू के लिए दुआ करें। तो बेटा आपने याद से रोजाना दुआ करनी है अपने अम्मी अबू के लिए, दुआ करें। नंबर 17 पे लिखी हुई आपको आती भी होगी अल्हम्दुलिल्लाह, रब्बिर हम हमा अच्छा व्हेन वी स्लीप, सोने की बेटा सुन्नत है, जैसे उठने की हमने सुन्नत पढ़ी है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते थे जब सुबह, बैठते तो आंखें मलते थे और दुआ पढ़ते थे। और सोते वक्त भी हमें ये याद रखना है कि वो क्या करते थे, क्योंकि हमने डेली लाइफ में उनकी चीजों को, उनकी सुन्नतों को इनकॉर्पोरेट करना है। सोने से पहले बेटे आपको सोने की दुआ तो याद होगी, सोने की दुआ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अल्लाह अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमतु आहया। एक और काम अगर आप तो whenever he went to bed, जब भी वो बेड पे सोने के लिए जाते थे वो बेड को झाड़ते थे पहले। बेड को झाड़ना मीन्स के बिस्तर है ना, आपने बस हाथ फेरना है उस बिस्तर। याद से बेटा आपने ये चीज प्रैक्टिस करनी है, whenever you go to sleep अपने बेड को आपने झाड़ना है, क्योंकि क्या फायदे हैं बेटे, बेटा इफ समवन इज टॉकिंग एंड ट्राइंग टू, कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके आई वाज सेइंग कि जब भी व्हेन यू गो टू बेड तो बेड को आपने झाड़ना है, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बिस्तर पर जाते थे तो बिस्तर को झाड़ते थे पहले। इससे दो तीन फायदे होते हैं। एक तो सबसे बड़ा फायदा कि ये सुन्नत है, सुन्नत फॉलो करने का सवाब है। दूसरा फायदा क्या है कि अगर बेड पे फॉर एग्जांपल कोई कीड़ा, कोई चीज, कोई ऐसी भी चीज है तो वो झड़ जाती है, उतर जाती है, सेफ्टी का पॉइंट ऑफ व्यू है। और तीसरी चीज एक और है कि अल्लाह ताला प्रोटेक्शन दे देते हैं, ठीक है। और दुआ भी हमने पढ़नी है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोना भी स्टार्ट करते थे तो वो भी राइट साइड से स्टार्ट करते थे, यानी राइट साइड से स्टार्ट करते थे बेटे, राइट साइड, राइट साइड। तो बेटा कोशिश कीजिएगा आप भी इस चीज को प्रैक्टिस करें, राइट साइड से आप स्टार्ट करें। और हाँ आप वो पढ़ें दो, आप भी पढ़ें सोने की, बिस्तर को झाड़ें भी। अच्छा बेटा तजवीद में चाह रही हूँ एक आयत हम कुरान की पढ़ लें, फिर हम प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम की स्टोरी की तरफ आते हैं। आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन विद यू, आपने बेटे सबने साथ साथ पढ़ना है, पीछे पीछे मेरे पढ़ना है, ऊंची आवाज में पढ़ना है।
आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू ताकि आपकी सबकी मुझे आवाज आ सके. Someone is talking behind me. To share the screen with you, beta. आप सब ने साथ साथ पढ़ना है. याद से बेटा ताऊज और तस्मिया जरूरी है जब भी हम कुरान स्टार्ट करते हैं. हम स्टार्ट करते हैं वहाँ से जहाँ से हमने पढ़ा था. हमने आयत नंबर 9 तक पढ़ लिया था. आयत नंबर 9 तक पढ़ा था या 8 तक पढ़ा था बेटा? 8 तक पढ़ लिया था. 8 तक पढ़ लिया था. अब हम 9 स्टार्ट करते हैं. यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. ओके, तो दोबारा से ताऊज मेरे साथ पढ़िए, मेरे पीछे पढ़िएगा. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله والذين याद है बेटा, ये ज़ाल है, इसको आपने सॉफ्टली पढ़ना होता है. सॉफ्टली ज़ीना नहीं पढ़ना, आपने ज़ीना पढ़ना है. والذين آمنوا يخضعون स्टार्ट करेंगे ये वाली आयत. याद रखते हैं बेटा, जी नहीं पढ़ना, जी पढ़ना है. والذين آمنوا وما يخضعون إلا الله. इसको आपने थोड़ा सा छुपाना है और थोड़ा लंबा भी करना है. गौर कीजिएगा जैसे मैं पढ़ी. माशाल्लाह. एक दफा और पढ़ते हैं और फिर हम يخضعون إلا
أنفسهم وما يشعرون وما يشعرون وما يشعرون. ما شاء الله، جزاك الله خير، جزاك الله خير، صدق الله العظيم، الحمد لله. Okay, now we will move on to Hazrat Ibrahim alayhi salam story. I hope you are able to hear me, bitta. Sabko meri awaaz aa rahi hai na? Yes. Alhamdulillah. Theek hai. If you have any questions, so aap please class ke end mein puchega. Questions yaad rakh lijiyega, jo jo aapne puchna hai. Lekin end mein puchega. In between, agar ho sake to interrupt na kijiyega. वो फिर कंटिन्यूटी नहीं रहती क्लास की. हमने प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी सुनी, हमने प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम को डिस्कस किया, हमने प्रॉफिट हूद एंड सालेह अलैहिस्सलाम को डिस्कस किया. उसके बाद क्या हुआ कि फिर काफी अरसा गुजर गया और लोग फिर से अल्लाह ताला की बातों को भूल गए और उन्होंने आइडल्स की वर्शिप स्टार्ट कर दी, फेक आइडल्स, फॉल्स आइडल्स की वर्शिप शुरू कर दी. हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम जिस जगह पे रहते थे वहां कनान में रहते थे वो, और उनके जो फादर थे वो भी, उनके सारे जानने वाले रिश्तेदार जो भी थे वो सब फेक आइडल्स, बुतों को, स्टैचूज को खुदा बना के बैठे हुए थे. और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये फेक आइडल्स, उनको उनके नेचर ने बताया कि ये चीजें खुदा नहीं हो सकती. अल्लाह ताला तो बहुत बड़ी हस्ती है, ये स्टैचू खुदा नहीं हो सकते. उन्होंने देखा सूरज को, उन्होंने कहा शायद ये बहुत चमकदार चीज है, ये शायद खुदा होगा. तो लेकिन जब सूरज डूब गया तो उन्होंने कहा नहीं, सूरज खुदा नहीं हो सकता क्योंकि खुदा कभी डूब नहीं सकता. फिर उन्होंने चांद को देखा, उन्होंने कहा शायद ये खुदा हो. लेकिन जब चांद भी खत्म हो गया, सुबह के वक्त गायब हो गया, तो कहा नहीं, ये चांद, ये सितारे, ये चीजें खुदा नहीं हो सकती. तो उन्होंने अपने जहन से, अपनी नेचर के थ्रू, जो कायनात में, जो वर्ल्ड में निशानियां थी, उनको देख के उन्होंने अल्लाह को पहचाना. उन्होंने कहा कि इन सब चीजों को बनाने वाला एक सुपर पावर, एक सुपीरियर पावर है जो कि अल्लाह है. उन्होंने इस तरह से अल्लाह ताला को पहचाना. और अल्लाह ताला के वो बहुत ही पसंदीदा बंदे थे, बहुत ही नेक थे, बहुत फोकस्ड थे वो. फिर अल्लाह ताला ने उनको बताया कि अल्लाह ताला एक है, अल्लाह की इबादत करनी और अल्लाह ताला की तरफ लोगों को जोड़ना है. उन्होंने अपने घर वालों को, अपने फादर को बताया कि एक अल्लाह है, एक ही अल्लाह की इबादत करनी है, ये फॉल्स आइडल्स, इनकी इबादत नहीं करनी. लेकिन आपको पता है नहीं मानते लोग आसानी से. यही हुआ उनके साथ भी, उनके फादर, उनके घर वाले, कोई भी नहीं माना उनकी बात. उन्होंने एक बहुत बड़ी सी जगह पे बुत रखे हुए थे, तरह तरह के बुत थे वहां पर. एक बड़ा बुत कह लें, काइंड ऑफ उनका सरदार सा बना हुआ था स्टैचू बड़ा वाला. एक मर्तबा क्या हुआ कि वो सब लोग कहीं जा रहे थे, वहां के रहने वाले सब लोग कहीं जा रहे थे, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि आई एम नॉट फीलिंग लाइक टू गो. तो वो सब लोग चले गए और वो वहीं रुक गए घर में. तो क्या हुआ कि जब वो लोग गए हुए थे तो उन्होंने एक हैमर लिया and he broke down all the statues, all the fake idols. उन्होंने तोड़ दिए, उन्होंने तोड़ दिए. और जो सबसे बड़ा वाला उनका आइडल था उसके हाथ में वो हैमर रख दिया, उसके पास वो हैमर रख दिया ताकि वो जो लोग वापस आए तो वो उनको कह सकें कि इसने तोड़ा होगा, जो बड़ा वाला बोलते हैं उसने तोड़ा होगा. तो जब वो लोग वापस आए तो ऐसा ही हुआ, उन्होंने देखा दौड़ते हुए आए कि ये क्या हो गया है, हमारे सारे बुत, हमारे सारे जो झूठे खुदा हैं वो टूटे पड़े हैं. उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा, क्योंकि वो ही थे एक वहां पे जो रहते थे, बाकी सब तो चले गए थे वहां से. तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर ये तुम्हारे खुदा, सच्चे खुदा हैं, तो ये क्या अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर सकते थे, अपने आप को बचा नहीं सकते थे कि कोई उनको तोड़ रहा था, अपने आप को हिफाजत नहीं कर सकते थे, इस बड़े वाले बुत से पूछो. उन्होंने ना ये बात इसलिए की
ताकि उनकी अकल को वो झिझोड़ सके, उन्हें कहें कि कैंट यू सी, तुम्हारे पास अकल नहीं है, तुम देख नहीं सकते, या अगर अपनी प्रोटेक्शन ही नहीं कर सकते तो किस किस्म के खुदा है, अगर वो खुद की हिफाजत नहीं कर सकते तो वो किसी और की हिफाजत क्या करेंगे। तो यही हुआ, उनको पता चल गया कि ये तो वाकई वो बुत थे, वो तो कुछ नहीं कर सकते थे, ना वो बोल सकते हैं, ना वो सुन सकते हैं, ना वो कुछ कर सकते हैं। तो लेकिन इसके बावजूद वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस अक्ल की जो उन्होंने एग्जाम्पल पेश की थी वो उसको नहीं माने, और उन्होंने क्या किया, गुस्से में आकर उनके लिए कहा कि इनके लिए आग तैयार करो और उनको आग में जला दो। तो दे ऑल डिसाइडेड टू बर्न हिम आग में। तो बहुत बड़ी सारी उन्होंने आग जलाई, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम इतने मुश्किल हालात में भी उन्होंने नहीं छोड़ा। मोहम्मद बिन जली, जस्ट अ मिनट, लेट मी कंप्लीट, आई एम कमिंग टू यू। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने अपनी बात पर कायम रहे, अल्लाह की बात पर कायम रहे। उन्होंने कहा अल्लाह मेरी मदद करेगा, अल्लाह के भरोसे पे, अल्लाह पे तवक्कुल करके, अल्लाह पे पूरा सबमिशन करके। उन्होंने कहा ठीक है, तो वो आग में चले गए, उन्होंने आग में लोगों ने फेंक दिया उनको। लेकिन अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के रसूल थे, अल्लाह के पसंदीदा थे, आग उनके लिए ठंडी हो गई। ना सिर्फ आग उनके लिए ठंडी हो गई, आग ने उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ा, और सारे जानवर जो थे वो अल्लाह के हुक्म से वो आग को बुझाने के लिए आ गए। इवन छोटी सी एक चिड़िया भी थी अपनी चोंच में, अपनी बीक में पानी लेके बुझाने के लिए जा रही थी। तो लोग, जानवरों ने पूछा तुम क्या, क्यों इतना सा पानी लेके जा रही हो, इससे क्या होगा एक कतरे से। तो चिड़िया ने कहा कि मैं अल्लाह ताला को बता सकूंगी कि मैंने अपनी जितनी मेरे लिए कोशिश पॉसिबल थी, मैंने अपनी वो कोशिश तो की। सब जानवर पानी को बुझाने की कोशिश कर रहे, आग को पानी से बुझाने की कोशिश कर रहे थे, एक्सेप्ट वन एनिमल। आपको किसी को पता है वो कौन सा एनिमल था? कमेलियन। कमेलियन था, किसी और को पता है कमेलियन था वो? माँ शैतान खबर है माँ। चिपकली। यस माँ। यस माँ। ये वो लिज़र्ड। उर्दू में हम गिरगिट कहते हैं, इंग्लिश में हम कमेलियन कहते हैं। कमेलियन कहते हैं उसको, हम बदल देता है, लिज़र्ड काइंड ऑफ एक एनिमल होता है वो। तो के आग को बढ़ा रहा था, बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा जी मोहम्मद बिन जली, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना था जल्दी से पूछते, फिर मैं आगे बढ़ू स्टोरी की तरफ। मैम आई वाज जस्ट डूइंग लाइक दिस। अच्छा ठीक है बेटे, इससे ना अभी तक की जो स्टोरी है, इसके जो लेसन हमने, क्योंकि दिस इज अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, बहुत सारे वाकयात हैं, अभी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक इसी को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक के जो लेसन हैं वो हमें ये पता चलते हैं, अगर कोई आप ऐड करना चाहे तो आप ऐड भी कर दीजिएगा प्लीज। एक तो ये कि हर हालत में हमने अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा रखना है, अल्लाह पे तवक्कुल करना है, कि अल्लाह का रास्ता अगर हम चूज करते हैं, अगर हम अल्लाह के रास्ते पे चलते हैं तो अल्लाह हमारी मदद भी करेगा। मुश्किल हालात भी आए, डिफिकल्टीज भी आए, तो भी हमने अल्लाह ताला के रास्ते को नहीं छोड़ना, हर हालत में अल्लाह के रास्ते पे हमने चलते रहना है। और अगर अल्लाह के रास्ते में हमें डिफिकल्टीज आए भी तो अल्लाह हमें हमारी मदद करता है, क्योंकि अल्लाह ताला कभी भी अपने नेक लोगों को अकेला नहीं छोड़ता। अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट्स दोज हु वर्क फॉर हिम, हु जो भी मुश्किलात अल्लाह के रास्ते में वो लोग बर्दाश्त करते हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद करता है। दूसरी बात ये कि जितनी आपकी कैपेसिटी है बेटा, जितनी हमारी कैपेसिटी है, जितना हम कर सकते हैं, हमने उतना काम जरूर करना है। ये नहीं सोचना कि ये छोटा काम है तो हम नहीं करते। आप चिड़िया की एग्जाम्पल लें, वो चिड़िया थी, छोटा सा उसका एक कतरा पानी का लाई थी, लेकिन जितनी उसके पास हैसियत थी, जितनी अल्लाह ताला ने उसको कैपेबिलिटी दी थी, वो उसके मुताबिक काम कर रही थी। तो हमने भी कभी ये नहीं सोचना कि हम एक बंदा है, मैं क्या कर सकती हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा नहीं सोचना। आपने हर हालत में कोशिश करते चले जाना है। नेवर थिंक कि आपकी कोशिश छोटी है,
क्योंकि अल्लाह ताला को छोटी से छोटी कोशिश भी पसंद है अगर अल्लाह के रास्ते में हम करें। हर एफर्ट को, किसी एफर्ट को आपने छोटा नहीं समझना। आपने अल्लाह के रास्ते में जो भी अच्छा काम हो आप करें। आपके पास 10 रुपीज हैं, आप किसी जिसके पास पैसे नहीं आप उसको दे दें। आप किसी ऐसे बंदे की हेल्प कर दें जिसके पास, फॉर एग्जाम्पल स्कूल में आप लंच शेयर कर देते होंगे, यकीनन अब कोई अपना लंच नहीं लाता तो आप यकीनन हेल्प कर देते होंगे। तो ये छोटी छोटी चीजों को आपने छोटा समझना नहीं है। जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आप कर सकते हैं आपने करना है। आप अपनी कोई एग्जाम्पल मुझे दे सकते हैं इस स्टोरी से, अभी तक की जो स्टोरी है? देखिए अल्लाह ताला ने बचा लिया उनको, और उसके बाद क्या हुआ वो इंशाल्लाह हम मंडे से शुरू करेंगे कि उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि ये स्टोरी कंटिन्यू करेंगे हम इंशाल्लाह। आपके जहन में बेटे अगर कोई क्वेश्चन है, आपके जहन में कोई बात है तो प्लीज आप बताएं। टेल मी कि आप क्या हेल्प कर सकते हैं, किस कैपेसिटी में आप किसी कोई अच्छा काम कर सकते हैं। जी मोहम्मद बिन जलील, आप बताएं आप क्या कर सकते हैं। Ma'am, I can give everything that I have, that I have given Shayan, everything that I have brought for me to eat because he didn't have this lunch. बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला आपसे बहुत खुश होंगे बेटा। इसके अलावा ना सिर्फ चीजें बल्कि आप अपनी नॉलेज भी आगे पास कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैथ्स का कोई सम आपको समझ आ गया है लेकिन आपके फ्रेंड को फॉर एग्जांपल समझ नहीं आया, तो यू कैन हेल्प योर फ्रेंड इन दैट अंडरस्टैंडिंग। तो ये भी देखिए, ठीक है, आप किसी का बैग उठा के, अगर हैवी बैग है, मैं आपको स्कूल की एग्जांपल दे रही हूँ लेकिन घर में भी, आगे पीछे जहां भी आप मूव करते हैं, व्हेनेवर यू सी समवन जिसको आप हेल्प आउट कर सकते हैं तो आपने हेल्प आउट करना है उसको। क्योंकि इससे क्या होगा, एक तो अल्लाह ताला, सबसे बड़ी बात कि अल्लाह ताला खुश होंगे, और दूसरे वो इंसान भी आपके जो है हेल्प, उसकी लाइफ भी इजी हो जाएगी। इसके अलावा कोई एग्जांपल दें आप जो हेल्प कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी में, जो आप कर सकते हैं, गिव मी एनी एग्जांपल। क्या कर सकते हैं, मामा बाबा की हेल्प कर सकते हैं, टेबल सेट कर सकते हैं, अपने बिस्तर बना सकते हैं, अगर आपने कोई मेस क्रिएट किया है उसको क्लीन कर सकते हैं। जी मोहम्मद बिन जलील। मैम, आई हैव डिड माय ब्रदर एंड आई हैव डिड ऑल द क्लीनिंग वर्क व्हेन माय फादर एंड मदर वर आउट व्हेन दे कम। बहुत अच्छी बात है, ये देखिए इन चीजों को आपने छोटा नहीं समझना। दीज आर नॉट स्मॉल थिंग्स, अल्लाह ताला को ये चीजें बहुत पसंद है। जी और कोई और एग्जांपल दें आप क्या कर सकते हैं। आई कैन डू एनीथिंग माय मदर एंड फादर कैन टेल मी। अहमद बेटा, आई कैन गिव हिम लंच और एनीथिंग ईटिंग एंड मनी एज वेल इन रमजान और इन एनी मंथ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और कोई एग्जांपल दें बेटा। मुस्तफा आप बताएं आप क्या कर सकते हैं, अपने अपने छोटे भाई की हेल्प करना भी नेकी है। आपके घर में I cannot hear you. You cannot hear me? अच्छा बेटा, जिनको मेरी आवाज नहीं आ रही ना, प्लीज आपने यूट्यूब वीडियो जरूर देख लेनी है, ठीक है? प्लीज मुश्तबा, इफ यू आर नॉट एबल टू हेयर मी यू शुड वॉच द यूट्यूब वीडियो। आपको फिर आवाज नहीं आ रही, चले आई टेक्स्ट यू। अच्छा बेटे, अब हम क्या करते हैं, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, इफ क्वेश्चन है आपका तो पूछ लीजिए। एम आई हैव नो, यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन, चलें ठीक है। मुज्तबा के लिए आई हैव टाइप्ड, मुज्तबा आप देख लीजिएगा। ऑलराइट, चलिए फिर बेटा हम दुआ कर लेते हैं इफ देयर इज नो क्वेश्चन इंशाल्लाह। और यस, डोंट फॉरगेट
कल जुमा है, जुमे के काम जरूर करने हैं, जुमे की जो सुन्नतें हैं वो आप सबने करनी है, एक बार दुरूद शरीफ आपने पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा नमाज पढ़नी है आपने, सूरह कहफ पढ़नी है आपने, नेल्स को ट्रिम करना है आपने, ठीक है बेटा। फ्राइडे सुन्ना जरूर याद से आपने करनी है। जिनको आवाज नहीं आ रही उनके लिए मैंने टाइप कर दिया है, तो लेट्स प्रे और अल्लाह ताला हमारी सब ने क्या कबूल करे, हमें नेक मुसलमान बनाए। दुआ कर लेते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ लें सब। اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا الله ہمیں نیک سچا اور مضبوط سٹرونگ مسلمان بنا، ہمارے لیے نیکی کے رستے آسان کر دے، ہمیں برائیوں سے دور کر دے، ہمیں تکلیفوں، ہم ہر قسم کی تکلیفوں، پریشانیوں، بیماریوں سے دور کر دے یا اللہ، ہمارے ملک کے، دنیا کے حالات آسان کر دے، کرونا وائرس ہر قسم کی بیماری سے ہمیں بچا لے اور یہ بیماری ختم کر دے یا اللہ، سکون دے ہماری زندگیوں میں، اس زندگی میں ہمارے ساتھ بہت اچھا کر اور آخرت کی زندگی میں تو بہت اچھا کر، ناراض نہیں ہونا یا اللہ، ہم سب ہمارے سب پیاروں کو خوشیوں والی زندگی، صحت والی زندگی، نیکی والی زندگی دے، اور ہمیں مرتے دم تک مسلمان رکھنا، مرتے دم تک نیکی پہ قائم رکھنا یا اللہ، ہم سب کو جنت الفردوس دینا، بہترین جنت دینا، سب مسلمانوں کو بخش دینا، کسی کو سزا نہ دینا مالک، ہماری آسانیاں کرنا، جنت دے دے، آمین آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت خیال رکھنا ہے میرے پیارے پیارے بچوں۔ سی یو انشاءاللہ آن منڈے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ کرتے ہیں۔